नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आज आपको हम कुछ महिलाओं के दर्द से रूबरू कराने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सैयों के आंदोलन की, जो हर गांव में, हर पंचायत में, हर क्षेत्र में एक सैया होती है और वो 2000 रुपया महीने मानदेय पर अपनी जो कार्य है वो किए जा रही है। और इसको डिमांड को लेकर के जमशेदपुर कोल्हानी नहीं, पूरे प्रदेश में उग्र है, एक बड़ा आंदोलन छेड़ चुकी है। हर पंचायत में, हर क्षेत्र में सैयों की भीड़ देखी जा रही है। सरकार इनकी बातें सुन तो जरूर रही है, मगर उस पर अमल नहीं कर रही है। क्यों अमल नहीं कर रही है और इनकी जो समस्या है वो क्या है, हम इन सैयों की ज़ुबानी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो सैया बहने हैं ये किस परिस्थिति में गाँव में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसकी बागडोर अपने कंधों पर लेकर रखी है और कैसे सरकार का कार्य जो है बाखूबी निभाती रही है और क्यों आज आंदोलन के लिए वो सड़क पे आ गई है। हालांकि अभी मैं मौजूद हूँ सरायकेला क्षेत्र में, जहाँ आपको कुछ महिलाओं से बात कराऊँगा और ये बताने का प्रयास करूँगा कि इनकी पीड़ा क्या है और किस पीड़ा के कारण ये आंदोलन थे। मैम, पहले आप बताइए क्या काम करती हैं आप लोग और परेशानी क्या है? परेशानी हम लोग को इस कारण है क्योंकि मंदे नहीं और पैसा भी कुछ नहीं, 2000 रुपया पैसा दिया जाता, उसमें हम लोग को गर्भवती को मैंने देखना है, फिर बच्चा जच्चा बच्चा देखना है, उसके बाद आपको मैंने हर तरह का मैंने ये करना, सर्वे करना पड़ता, जैसे मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, फैलेरिया, एमडी का दवाई, हर तरह का मैंने गांव को सेवा देना है। अगर उसमें हम लोग नहीं किए तो उसमें भी हम लोग को पैसा काट देता है। अगर एक दवाई खिलाते हैं एक पेशेंट को तो 1 रुपया दिया जाता है, उसी से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग को मंदे चाहिए। कितना मानदेय चाहिए? हम लोग डिमांड आप लोग, हम लोग को 18000 डिमांड है। अभी कितना मिलता है? अभी 2000 सर। कब से काम कर रही है 2000 रुपये आप लोग? 2006 से। तो इसकी क्या बहाली हुई थी, कुछ हुई थी, कैसे आप लोग आए थे? बहाली हुई थी सर। क्या प्रक्रिया थी इसकी? गांव के स्वास्थ्य सेवा करने के लिए सैया की जरूरत है। शुरू में तो हम लोग फ्री किए 13 के बाद से हम लोग को 1000 रुपया दिया जा रहा था, 1000 के बाद अब कुछ ही हाल में 2000 किया, वो भी रजिस्टर मेंटेन के लिए। अगर रजिस्टर हम लोग का नहीं मेंटेन हुआ तो उसमें से हम लोग कट जाता है। तो ये कब से आप लोग आंदोलित हैं? अभी अभी हम लोग 23 से, जनवरी 23 2022 इसी वर्ष से। हाँ, इसी वर्ष से। तो ये 2023 नए वर्ष से ये आंदोलित है और इनका साफ तौर पे कहना है कि 2000 में इनका भरण पोषण नहीं होता है, 18000 तक मानदेय इन्हें चाहिए और किसी कीमत पे चाहिए। इस आंदोलन को लेके ये सड़क पे आ चुकी है। मैम, क्या सोची थी कि स्वास्थ्य विभाग के जिस जिम्मेदारी कंधों पे लेंगी और सरकार कैसे वेतन देगा, क्या सपना था, परिवार कैसे चल रहा फिलहाल? सपना था कि हम लोग अगर करेंगे घर में तो पढ़ाने सकेंगे, बाल बच्चा को अच्छा खिलाने सकेंगे, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। ना मेरा बाल बच्चा पढ़ सका, ना कुछ करने सके हम लोग उन लोग के लिए। अब तो समय ख़त्म हो गया, हम लोग का जवानी से बुढ़ापा में आ गए हम लोग, फिर भी 2000 में कुछ करने नहीं सके। लास्ट में हम लोग कितना घर से डांट गाली भी सुनते हैं लेकिन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आज ना आज सुधरेगी सरकार, हम लोग को वेतन मिलेगा समय में, वेतन बनेगा, लेकिन सोचते सोचते हम लोग ना आंदोलन में हम लोग को उतरना पड़ा। हम लोग को अभी भी नहीं सुन रहे हैं। इतना 15-16 कितना साल, 16 साल हम लोग काम किए, फिर भी कोई ये नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। हम लोग का मजबूरी हो करके आंदोलन में आना पड़ा है। हम लोग सही है, लेकिन हम लोग 16 वर्ष में एक बच्चा जवान हो जाता है और एक दशक बीत भी जाता है, उसके बावजूद इन सैयों की जो परिस्थितियाँ हैं वो नहीं बदली है, सरकार की नींद नहीं खुली है। 22 वर्ष से ज़्यादा इस झारखंड सरकार को हो गई है, बावजूद इन सैयों का दर्द उन्हें देखा नहीं गया है। मैम, अभी आप माइक पर बोल रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री चोर है, हाँ, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर, स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग के पास आके स्वास्थ्य मंत्री बैठे, बैठ के हम लोग आवासन दिए और आवासन देकर लड्डू खिला के वहाँ सटा दिए। जब हम लोग रांची में भी गए, रांची में भी पहुँच के 2-3 सैया बेहोश हो गई, वहाँ भी पहुँच के आवासन दिया कि 15-20 दिन का टाइम दीजिए, और 15-20 दिन से लेकर हम लोग का 3 महीना हो गया, अभी तक कोई भी अवसर नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई मैसेज नहीं। मजबूरी में हम लोग आंदोलन किए हैं, इसीलिए उनको चोर बोल रहे हैं। ऐसा मंत्री का जरूरत नहीं है जो स्वस्थ, मतलब सैया को साथ नहीं दे पा रहे, मतलब देश का क्या स्वस्थ करेगा, ठाक करेगा, छोड़ दे कुर्सी। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप लोग, चूंकि आंदोलन सड़क पे तो आ गया, आप बहुत कुछ होगा। अब कुछ सैया अगर कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री होंगे और हेमंत सरकार होंगे, उसका बाल बच्चा परिवार पूरा जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। इस बीच अगर कोई सैया का कुछ भी होता है तो इतना हम लोग बोलते हैं, अब जो होगा हम लोग से वो तक करेंगे।
अब हम लोग निकल गए हैं तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। अब हेमंत सरकार कान खोल के सुन ले कि उसकी सैया बहने रोड पे आई है और अभी मतलब नारी से दुर्गा बन गई है, दुर्गा से काली बनने में हम लोग का देर नहीं लगेगा। और ये चीज हम लोग का हेमंत सरकार किए हैं, हम लोग अगर हम लोग का मांग पूरा करते हम लोग तो आज हम लोग इस जगह पर नहीं आते और इस तरह उग्र नहीं होते। लेकिन हम लोग का दर्द नहीं समझा, हम लोग का परिवार नहीं देखा। भर कोविड में जब हम लोग को हुक्म चलाएं वहाँ से 2021 में कि ये करना है वो करना है 2020 और 21 में, हम लोग घर बैठे बाल बच्चा छोड़ के अपना परिवार छोड़ के कोविड में निकल गए। सब कोई तो घर में बैठ के आराम से रहते थे, मास्क लगा के सैनिटाइजर लगा के हम लोग बिना मास्क बिना सैनिटाइजर हम लोग काम किए हैं। उस बीच हम लोग को घर भी, मैं रेंट में रहती हूँ लेकिन मेरे को घर खाली कराया गया है। लेकिन हम जब अपना माँ घर में रहने लगे मेरा माँ बाप भी बोलता तुम निकल जाओ घर से क्योंकि तुम कोविड पेशेंट को देख कर आ रही हो। सोचिए हम अपना परिवार से बात किए कि मैडम हमको रूम दीजिए, हम लोग रूम में रहेंगे क्योंकि हमको कोई रहने नहीं दे रहा है। हम लोग इस परिस्थिति में देखे लेकिन झारखंड सरकार इतना आग में पट्टी बांध ली है, इतना कान में रुई ठूस ली है कि सैया बनकर दर्द नहीं समझता। अब बोलता सैया कौन है, सैया उसकी वो हिम्मत की हड्डी है जो मतलब मातृ और शिशु मित्र दोनों में जीरो लाई है, पोलियो को जड़ से मुक्त की है। अब भी सरकार का कान नहीं खुला है तो आ रहे हैं सरकार के पास, सरकार का दरवाजा ठकठकाने के लिए उसका बाजा बजा। अब अकेले नहीं सारी बहनें, सैया बहने हैं जो बता रही थी कि सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे और एक खुला चुनौती भी दे रखी थी कि सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे। वो ये सैया बहने हैं जो गाँव क्षेत्र में महिलाओं की प्रसव पीड़ा से लेकर के तमाम सरकार की स्वास्थ्य की जो योजनाएँ हैं उसको स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचाती है और जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाती है। एक बूढ़ी माता है जो सैया बहने के रूप में काम कर रही है। माता जी कितने वर्षों से काम कर रही है? 2007 से। क्या काम करती हैं आप? एक शिशु और माता को हम लोग ये करते हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? 2000। ज्यादा क्यों नहीं मिलता है? नहीं दे रहा सर सरकार। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा हुआ 46। 46? हाँ। 50 के आसपास की महिला है जो बता रही थी कि इस 50 वर्ष की आयु में भी वो 2000 रुपये मात्र तनख्वाह उठाती है और स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है। इस आंदोलन को तेज करने के लिए जो स्थानीय समाज सेवी है वो लगे हुए हैं, वो भी साफ साफ कहते हैं कि यह आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन सैया बहनों का 18,000 वेतन नहीं दिया जाता है। आप आंदोलन करते आए हैं, किन किन क्षेत्रों में गए, क्या क्या परिस्थितियों को देखा और क्या सैया बहनों का दर्द है, क्या लगता है कि इन लोग का आंदोलन जायज़ है? देखिए सबसे पहले तो बोलेंगे कि इनका जो मांग है कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। इसलिए क्योंकि ये जो स्वास्थ्य विभाग का जो एक काम कर रहे हैं आज 16 साल हो गया काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका 42,000 सैया नहीं है, 42,000 के साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र 80% ग्रामीण क्षेत्र झारखंड का ये पूरा कवर करते हैं और रात दिन इनका कोई 8 घंटे का ड्यूटी नहीं होता या 6 घंटे का ड्यूटी नहीं होता है, इनका 24 घंटे का ड्यूटी होता है। जब इनका ना कोई पर्व होता है ना त्यौहार होता है, जब इनको ज़रूरत होता है तब करते हैं। और सरकार बोलते हैं कि जब टीकाकरण कराना हो बच्चा का या गर्भवती महिला का, उनको गर्भवती महिला का उसका देखभाल करना है, उनका हॉस्पिटल ले जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर उसके बाद में कोविड में हर एक वैक्सीन देने का काम करते हैं, तो सरकार पूछती है सैया कौन है? सैया भूल गए हैं जो पोलियो में मुफ्त पोलियो रिटार्डेशन कराने का, लेप्रोसी में काम करने का, कोविड में जब अपना घर के परिवार साथ छोड़ देते हैं, जब बाहर मंत्री एमपी निकलने में डर रहते हैं, पूरा सब कोई अपना परिवार तक में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि घर आओ जो हम लोग काम करें, वो रात दिन 24 घंटा 2 साल निस्वार्थ भावना से काम की, आज सरकार पूछते हैं कि सैया कौन है? ये आंदोलन जारी रहेगा, ये मेरे बहने हैं और आंदोलन का मकसद सिर्फ आपका हम लोग का पेमेंट का ही नहीं है, ये अपना अपना सम्मान का बात है, हम लोग का इज्जत का बात है। क्योंकि तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं आप, हाँ कोल्हान के, तो सैयों के चेहरे पे क्या दिखाई पड़ता है आपको, कितना दर्द दिखाई पड़ता है और सरकार
को क्या कहेंगे आप इस दर्द को देखते हुए? देखिए, मैं कोल्हान में हर एक जगह गया हूँ, संगठन हम लोग बनाए, फिर बारागोरा से लेके आपका बारागोरा हो गया, चाकुलिया हो गया, फिर घासला हो गया, सरायकेला हो गया, सब जगह जितना हम लोग बना रहे हैं कोल्हान में, हम लोग का जो सैया बहने हैं एक तो दिन रात अपना परिवार को छोड़ के यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं। एक आंदोलन में बैठने का इनका मकसद था कि सरकार सुने, आज जब सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे, रांची तक विधानसभा घेराव करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि 16 साल से हम लोग जो सैया मेरे बहनें हैं काम कर रहे थे उनका हर एक दिन का एक एक दिन का हिसाब लेंगे और हम लोग का ज़रूर इनका पेमेंट बनना चाहिए और जब तक पेमेंट नहीं बनेगा ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि अब एकजुट हो चुका है पूरा झारखंड। ये सिर्फ 42,000 नहीं है, 20-25 लाख का आबादी का बात है, क्योंकि उनका जो झारखंड का पूरा रीढ़ का हड्डी जो आज सैया माना जाता है, आज रीढ़ का हड्डी अगर हट जाए तो झारखंड धराशायी हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूरा बहुत ही बुरा कंडीशन हो चुका है, इतना दिन में जब से आंदोलन बैठा है पूरा चरमरा गया है। इनको सोचना चाहिए सरकार को कि जो हम लोग का कंधा में बहने जो सैया जो बहने हैं अपने कंधे में स्वास्थ्य विभाग को उठा के चल रहे हैं, आज इनके साथ में ये क्या कर रहे हैं? इनको जब कोविड में जब बोले थे कि सरकार की बच्चे और बुजुर्ग घर में रहना चाहिए, फिर भी सैया जो 50 साल 60 साल की उम्र वाली है वो भी काम की है, आज उनका क्या बोलती है कि इनका रजिस्ट्रेशन मानवता नहीं माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? जब हम लोग गर्भवती महिला को इमरजेंसी में डिलीवरी करवा सकते तो उतना समय माना गया, जब हम लोग का टीकाकरण बच्चा को दिया गया तब माना गया, कोविड में हर एक ना सैया मेरी जो बहन है किसी मंत्री या मतलब किसी पदाधिकारी में जो पदाधिकारी को काम ग्रास रूट पे करती है पदाधिकारी हाँ। आप समाज सेवी हैं तो क्या सरकार आपकी और इन सैया बहनों की डिमांडों को सुनेगी इस तरह से टुकड़े में आंदोलन करने के बाद? टुकड़े में आंदोलन नहीं हो रहा, ये झारखंड में एकजुटता का एक संदेश हम लोग दे रहे हैं। अब एकजुट हो चुके हैं, हम लोग के पास में 42,000 सैया है और पूरे इसके साथ में 42,000 के साथ में पूरा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के सबको हम लोग के साथ में है और हम लोग आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अगर सरकार अगर देख पा रही है, उनको समझ पा रही है इनका दर्द और बहनों का दर्द देख पा रही है, बोलती एक टब बोलती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर कहाँ से बेटी पूरा होगा? बिल्कुल होगा पूरा, हम लोग जब तक आंदोलन जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। अगर समाज सेवी है जो तन मन धन से सैया बहनों के साथ है और बता रहे थे कि किसी कीमत पर आंदोलन को पूरा करना ही है और सरकार को इनके सामने झुकना ही होगा। ग्रास रूट पे होता क्या है कि सैया बहनें जब काम करती है तो जनप्रतिनिधि होते हैं और उनसे भी सवाल लोग करते हैं, सैया बहनें उनसे भी मिलती है कि आखिर क्षेत्र में इस तरह की जो समस्याएं आती है कि 2000 में 24 घंटे काम करने के बाद भी वो उनका जो मेहनताना है उन्हें नहीं मिल पाता है तो जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ता है। आप क्षेत्र में क्या है? हम गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख हैं, मेरा नाम क्याम हुसैन और नारायणपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। क्या सुनना पड़ता है सैया बहनों से या फिर आम लोगों से क्षेत्र में? देखिए, काफ़ी दिनों से जो है ये चीज़ आ रही थी और इससे पूर्व भी सरकार जो थे उन सभी में भी आंदोलन हुआ करता था छोटा मोटा, लेकिन अभी जब हमारे सैया बहनें आए हैं स्वास्थ्य विभाग से तो ये लड़ाई छोटी नहीं है, हम लोग राज भी लिए हैं लड़ाई करके, हमारे पूर्वजों ने लिया है तो हम लोग हर मकसद को लड़ाई करके जीतेंगे, हम लोग बिना लड़ाई करके नहीं छोड़ने वाले हैं। लगता है बहन कि ये लड़ाई रंग लाएगा, आप लोग का जो मेहनत है वो रिजल्ट की ओर जाएगा, सरकार सुनेगी आपकी? जी सर, एकदम सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी, हम लोग दिन रात 24 घंटा जच्चा बच्चा दोनों देख रहे हैं, कोविड में काम किए, हर तरह का काम किए, तो क्यों नहीं सुनेगी? आज हम लोग जो सभी सैया जो हम लोग आज हड़ताल में बैठे हैं इसका नुकसान भी हुआ है सर, इसका नुकसान हुआ है, कहाँ कहीं कहीं तो बच्चा डेथ किया है, ठीक है, उसका सही से डिलीवरी नहीं हो पाया, देख रेख नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं सरकार सुनेगी? और नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग अपना अटल रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे, नुकसान सरकार को होगी, सरकार को होगी, पब्लिक को होगी। कहां तक जाएंगे आप लोग इस आंदोलन को लेकर के? हम लोग जाएंगे सीएम तक, अपना रांची जाएंगे, रांची में आंदोलन करेंगे, वहां पर जाकर के उनका दरवाजा ठकठकाएंगे, नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग वहां पर हड़ताल में बैठे रहेंगे।
तो ये सैया बहन है जो बता रही थी कि किसी कीमत पे सरकार को सुनना होगा, वो क्यों नहीं सुनेगी ये भी देखने वाली बात है। कारण कि सैया बहन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बात जमशेदपुर की नहीं है, बात कोल्हान की नहीं है, बात पूरे प्रदेश की है जहां 42,000 सैया बहनें हैं और एक साथ आंदोलन करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार का भी कान खुल जाएगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल दीजिए थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि सैया बहनों के हड़ताल पर जाने के बाद किस तरह की परिस्थिति गांव में उत्पन्न हो गई है, क्या इनके मंसूबे हैं और सरकार क्या चाहती है। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका पुनः स्वागत है। आपको हमने दिखाया कि सैया बहने का दर्द क्या है, सैया बहने चाहती क्या है और आंदोलन की पूरी रूपरेखा क्या है। अब आपको हम कुछ सैया बहनों से बात करवाएंगे और ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि आज सैया बहने जब आंदोलित है तो क्षेत्र में क्या परिस्थिति है, गांव में किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जा रही है, क्या प्रसव क्रिया कराई जा रही है, सैया बहनों का जो अपना काम था टीकाकरण से लेकर दवा देना वो चल रहा है कि वो बेहाल हो चुका है, आखिर स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के भरोसे कब तक चलेगा जब गाँव में सैया बहने नहीं रहेंगे। मैडम थोड़ा सा आप बताइए, आप जब इधर हैं जी तो गांव में क्या चल रहा है, आपका जगह काम कौन कर रहा है? हमारे गांव में तो कोई काम नहीं कर रहा है, हम लोग का फोन में भी आ रहा है कि आप लोग मतलब हम लोग को सेवा दीजिए, तो हम लोग तो सेवा दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग हड़ताल पे हैं। 23 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। गाँव में बहुत सारी समस्या हो रही है जो मेरे को भी अफसोस लग रहा है क्योंकि हम लोग इतना दिन सरकार को सेवा दिए हैं, 16 साल से हम लोग सरकार को सेवा दिए हैं, बहुत अफसोस लग रहा है कि आज हम उसके सेवा नहीं दे पा रहे हैं, मगर सरकार भी हमारी बात नहीं मान रही है। बताइए आज 18 दिन हो गया मगर सरकार कोई बात नहीं सुन रही है, कहीं से हम लोग को कुछ खबर भी नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार हमको? आपको क्या दर्द नहीं होता कि गाँव आपका है, आप वहाँ के सैया है और वहाँ जब प्रसव पीड़ा होता है तो आपकी उपस्थिति होना जरूरी थी, आप वहाँ पे नहीं है तो दर्द नहीं होता है? हाँ बहुत दर्द होता है, रो भी जाते हैं उससे। फिर क्यों नहीं आ पाते? अभी 2000 के चलते हम लोग का हड़ताल है सर। क्या कहेंगे आप, इस तरह की जो प्रक्रिया है जहाँ आपको होना चाहिए आप वहाँ फिलहाल नहीं है, किस तरह की परेशानियाँ दिल में होती हैं? दिल में सर बहुत परेशानी है हम लोग को, उनका मतलब दुख तो समझ में आ रहा है लेकिन हम लोग को भी तो दुख है सर। हम लोग को आज दुख है तभी तो हम लोग इतना बड़ा कदम उठाए हैं, क्यों हम लोग इतना बड़ा कदम उठाए, सरकार को भी यह सोचना है कि हम आज सैया दीदी आज हम लोग उन लोग से सरकार से मिलने के लिए हम लोग बार बार ज्ञापन दिए, स्वास्थ्य मंत्री को दिए, आपका हेमंत सरकार को दिए, ज्ञापन ही दे रहे हैं और हम लोग को आश्वासन खाली मिला गया कि 15 दिन बाद आप लोग को प्रदेश कमेटी को जो झारखंड प्रदेश सैया संघ है इसकी समिति के सदस्यों को बुला के वार्ता किया जाएगा, लेकिन वार्ता भी नहीं हुआ, 15 दिन का समय भी पार हो गया, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें टरकाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। अथक प्रयास करने के बाद, इतना हम लोग प्रयास किया, अथक प्रयास करने के बाद हम लोग को सरकार एकदम बात ही नहीं सुन रही है तो हम लोग भी विवश हो जा रहे हैं। जब तक पब्लिक परेशान नहीं होगी, जनता परेशान नहीं होगी, हमको नहीं लग रहा कि सरकार हमारी बात सुनेगी। आज बहुत सारी समस्याएं गांव में घर में आ रहा है, टीकाकरण बाध्य हो गया है, बच्चों को सुई नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ अस्थाई कर्मी जो NM है, एक ही NM दीदी एक PSC CSC में उपस्थित है जो कि उन लोग सही ढंग से टीकाकरण नहीं कर पा रही है, इतना ज़्यादा जनसंख्या को एक NM दीदी कैसे कवर कर पाएगी, इसीलिए देखिए बहुत सारा समस्या आ रहा है और कई गांवों में कई घरों में शिशु मृत्यु भी हो चुकी है ना, माता को भी बहुत परेशानी है हम लोग को। कई समस्याएं हैं, कई क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है जो सैया बहनें बता रही थी कि क्षेत्र में समस्याएं बढ़ गई है, बावजूद हम उनका मदद नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि उनका अपना भी खर्च है, उनकी अपनी भी परिवार है, बच्चे हैं और तमाम तरह का खर्च है। सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार को समझना चाहिए था, सरकार को ये आश्वासन देना चाहिए था तो सोच के देना चाहिए था कि आखिर यह आश्वासन का दौर कब तक चलेगा और कब इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। हम कुछ सैया बहनों से को आपको दिखाना भी चाहते हैं कि वो सैया बहनें किस तरह से अपनी उम्मीदों के साथ एक भरोसे के साथ सरकार का काम कंधे से कंधा मिला करके करना चाहती थी, मगर जब पानी ऊपर से पार हो गया और 2000 से 2100 इनका पेमेंट नहीं हुआ तो ये जा करके सड़क पर आई और आज 18,000 मानदेय के लिए सड़क पर उतरी है। ये साफ तौर से बताती है कि अब नहीं तो कब, 18,000 नहीं तो 2000 में कैसे इनका परिवार चले।
चलेगा। कुछ बहनें तो बच्चों को लेकर आई हैं, देखिए इन बच्चों को देखिए जो सुबह से शाम तक आंदोलन में बच्चों के साथ हैं। जाहिर सी बात है जब ये अपने गांव में अपने क्षेत्र में परसों पीड़ा कराती है तो अपने भी परिवार के बच्चों का ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है, और यही कारण है कि गाँव में जब अपने बच्चों का जिम्मेदारी रखती है तो आंदोलन में भी अपने बच्चों के साथ वो आंदोलन में पहुँची है और सरकार को बताना चाहती है कि किसी परिस्थिति में भी हम अपने सैया बहनों के साथ हैं, हमारी यूनिटी एक साथ है और 42,000 झारखंड प्रदेश में जो सैया बहने हैं एक साथ है, सरकार को झुकना होगा। सरकार झुक जाएगी आपको लगता है? देखिए हम लोग का कोई मांग कोई ये नहीं है कि हम लोग भीख तो नहीं मांग रहे हैं कि सरकार से कि हम लोग को भीख दे दीजिए, ये तो हम लोग का हक है और हम लोग का ये सैया बहने का हक है, क्योंकि 24 घंटा भी निश्वास भावना से आपका काम करती है जो रात दिन एक कर दे रही है अपना कंधा, क्योंकि कोई भी राज्य का हेल्थ और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो स्वास्थ्य अगर आपका जो राज्य में स्ट्रॉन्ग होता है वो राज्य बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तो हम लोग का झारखंड में स्वास्थ्य में अपना कंधे पे अगर सैया मेरे बहने कंधे पे उठा के ये कर रहा है तो सरकार को करना ही होगा, मांग उनका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भीख नहीं मांग रहे अपना हक मांग रहे, काम का हक मांग रहे हैं और इनको मिलना ही चाहिए। तो कब तक आंदोलन करेंगे, इसका अंजाम क्या होगा, एंडिंग क्या है? देखिए आंदोलन का तो कोई एंडिंग नहीं होता है, जब तक आंदोलन जब तक उनका मांग नहीं होगा, आज बोल देंगे, आज अगर सरकार बोल देगा, अभी तो बजट भी चल रहा है 9-10 को बजट है, सरकार बोल देगा कि हाँ हम लोग मांग इनका पूरा ये कर देंगे, हम लोग आज आंदोलन तोड़ देंगे। हम लोग को आंदोलन करने में शौक नहीं है कि हम लोग सुबह से अपना पूरा परिवार का काम धाम छोड़ के जो हम लोग सेवा गाँव में सैया मेरी बहने करती है अपना, वो उनको भी दर्द है कि गाँव में इतना प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी छोड़ के आए, हम अपना ड्यूटी छोड़ के आए, अपना पेशन छोड़ के आए, तो मुझे भी दर्द हो रहा है, मगर क्या है ना कि अपना हक मांगने के लिए कभी कभी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, सरकार आज पास कर दे 9 या 10 को आज पास कर दे कि हम लोग का मांग पूरा हो गया तो हम लोग का खुशी खुशी हम लोग आंदोलन तोड़ देंगे, हम लोग स्वास्थ्य अपना काम में अपना लौट जाएंगे। अरे कौन चाहता है कि आंदोलन करें, कौन चाहता अपना पूरा परिवार को छोड़ के, क्योंकि एक नारी जो है एक सिर्फ आपका काम पूरा समाज का नहीं करती, अपना घर का भी उनका काम रहता है, उनका बाल बच्चा से उनका पूरा परिवार का देखभाल का वो रीढ़ का हड्डी सिर्फ झारखंड की ही नहीं है अपनी घर के भी होती है, तो इनको सरकार को समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर ऊपर नहीं समझ आ रहा तो उनको एक दिन गांव में निकलना चाहिए, सिर्फ राजनीति का दौर नहीं निकालना चाहिए, एक ऐसे ही निकाले देखे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है हकीकत में, तब उनको समझ आएगा। जाहिर सी बात है ये झारखंड है और आश्वासन झारखंड का जो है तकिया कलाम बनता जा रहा है, पहले भी कई आंदोलन झारखंड प्रदेश में होते रहे हैं और कई आश्वासन का दौर चला है, उसके बाद छोटी बड़ी समस्याओं को सरकार देखी है, ये बड़ी समस्या है। 42,000 सैया बहने पूरे प्रदेश में, अब देखने वाली बात यह होगी कि सैया बहनों के लिए सरकार कुछ सोचती है या यूं ही यह सैया बहनें आंदोलन करती रहती है, कारण कि झारखंड भी आंदोलन का प्रदेश है और कई तरह के आंदोलन यहां जन्म लिए हैं, और अब जब सैया बहनों का आंदोलन सिर चढ़ के बोलने लगा है तो देखने वाली बात यह होगी कि सैया बहनों का जो आंदोलन में सरकार कितना परसेंट इनकी बातों को मानती है, क्या मानती है, क्या 18,000 देती है या 2,000 ही ये पाते हैं और इसी तरह से आंदोलन करते रहते हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे प्रखंड में। नमस्कार।